लोग का यहाँ पर क्या है, आप लोगों का समास आता है, क्या आता है आप लोग को परीक्षा में, समास आता है। समास आप लोग को परीक्षा में पूछा जाता है हिंदी में। समास 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 यहाँ पर आपको आता है। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम समास पढ़ेंगे। आपको पेपर में क्या आता है, समास आता है। तो देखो समास किसको बोलते हैं, जब दो या दो से अधिक पदों के मिलने से एक नया पद बनता है उसको समास बोलते हैं। एक पद ये हो गया और दूसरा पद ये हो गया, जब दो पद आपस में मिलते हैं, पहला पद और दूसरा पद दो पदों के आपस में मिलने से, पहले पद और दूसरा पद दो पदों के आपस में मिलने से जो नया पद बनता है उसको अपन क्या कहते हैं, समास कहते हैं। पहला पद और दूसरा पद दो पदों के आपस में मिलने से जो नया पद बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, समास कहते हैं। समास छह प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं, छह प्रकार के होते हैं, है ना। दो पद के मिलने से, है ना, दो पदों के मिलने से जो नया पद बनता है, नया पद बनता ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आ सकता है जो, और फिर भाषा बोध के पोर्शन में भी आ सकता है ना। दो पदों के मिलने से जो नया पद बनता है उसको समास कहते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं, उसे समास कहते हैं। समास आपके छह प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं, छह प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका अव्ययी अव्ययी भाव समास। पहला क्या होता है, पहला होता है आपका अव्ययी अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास पहला क्या होता है आपका, अव्ययी भाव समास होता है। क्लियर, पहला यहाँ पर होता है आपका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास इसको बोलेंगे, इसमें प्रथम पद की प्रधानता होती है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, प्रथम पद की प्रधानता होती है। जो अव्यय होता है ये संपूर्ण पद क्रिया विशेषण में कार्य करता है, प्रथम पद की प्रधानता होती है। अव्ययी भाव समास में देखो, अव्ययी भाव समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है, जैसे कि यहाँ पर मैंने बोला प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन। यहाँ पर दो पद है, यहाँ पर कितने पद है, दो पद है। पहला पद है आपका प्रति, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, पहला पद क्या है, प्रति, और दूसरा यहाँ पर क्या है आपका दिन। ये हो गया आपका प्रथम पद, प्रथम पद प्रति। यहाँ पर क्या हो गया आपको, प्रथम पद हो गया प्रति, और दिन यहाँ पर क्या हो गया आपका, द्वितीय पद। दिन यहाँ पर आपको हो गया द्वितीय पद, प्रति यहाँ पर हो गया आपका प्रथम पद, और दिन यहाँ पर हो गया आपका द्वितीय पद। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है, अव्ययी भाव समास में प्रथम पद की प्रधानता रहती है। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास इसमें प्रथम पद की प्रधानता रहती है ना। कौन प्रधान है, प्रति प्रधान है कि दिन प्रधान है, दिन तो अपन ऐसे बोल देंगे, लेकिन प्रधान है प्रति। प्रति मतलब प्रतिदिन, रोज, डेली डेली, डेली डेली की बात हो रही है, रोज रोज की बात हो रही है, प्रति की बात हो रही है, डेली की बात हो रही है। तो प्रथम पद क्या होता है, इसमें प्रधान रहता है, किसमें, अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान रहता है, पहचान करने के लिए आएगा तुरंत। अगर पहला पद प्रधान है तो कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। क्लियर है ना, प्रति, प्रति यहां पर प्रधान है ना, प्रति यहां पर क्या है आपका, प्रधान है। इसलिए इसको अपन यहां पर क्या बोलेंगे, अव्ययी भाव समास कहेंगे। प्रतिदिन में जो प्रति वाला जो पहला पद है आपका प्रति, ये प्रति वाला पद प्रधान होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, अव्ययी भाव समास कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम, अव्ययी भाव समास कहते हैं। और पहला पद प्रधान तो होता है, लेकिन प्रधान होने के साथ साथ अव्यय होता है। क्या होता है वो, अव्यय होता है। ये पहला पद क्या होता है आपका, अव्यय होता है, अव्यय। पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है। अव्यय किसको बोलेंगे हम, अव्यय मतलब कि जैसे कि यहाँ, वहाँ, यत्र, सर्वत्र। क्लियर, आज, कल, है ना, प्रति, रोज रोज, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, सने सने, ये सारी चीज़ होती है अव्यय। ये सारी चीज़ क्या होती है आपकी, अव्यय होती है। ये सारी चीज़ क्या होता है आपके, अव्यय होते हैं। तो आपको हिंदी में आएगा बिल्कुल ऑब्जेक्टिव बन करके आते हैं यहाँ पर आपको, और ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आपको क्या बन के आते हैं कि प्रतिदिन में कौन सा समास है। पेपर में क्या जाएगा, प्रतिदिन में कौन सा समास है। प्रतिदिन में यहाँ पर आपको समास के बारे में बताना है कि प्रतिदिन में कौन सा समास है। हल्ला मत करो, देखो पेपर में आपको समास आएगा, पेपर में आपको समास आएगा, प्रतिदिन में कौन सा समास है। तो अव्ययी भाव समास की विशेषता क्या है, पहचान क्या है, पहचान कैसे करोगे, दो पद, पहला पद हो गया और ये हो गया दूसरा पद। यदि प्रथम पद प्रधान है, प्रथम पद क्या है, प्रधान है, है प्रधान। जैसे कि देखो, अब एक भैया, एक लेडीज है और एक जेंट्स है, दोनों की हो गई शादी, है ना। अब भैया जेंट्स कमाने जा रहा है तो वो अपने आप को प्रधान बोलेगा, मैं प्रधान हूँ भैया, घर में मेरी चलेगी। और लेडीज कमाने जा रही है और जेंट्स खाना बना रहा है तो लेडीज बोलेगी क्या, भैया मैं
प्रधान हूं, मैं कमाई करने जा रही हूं, है ना कि नहीं। तो प्रधान ऐसे ही होता है। तो वैसे यहां पर दो पद है, पहला हो गया पद प्रति और दूसरा पद यहां पर क्या हो गया दिन। तो प्रति प्रधान है कि दिन प्रधान है? प्रति प्रधान है, क्योंकि प्रति जो है वो दिन को लेकर के चल रहा है ना कि नहीं, इसलिए प्रति यहां पर क्या प्रधान है। तो जिस समास में पहला पद प्रधान होता है और साथ साथ पहला पद अव्यय होता है, क्या होता है? प्रथम पद अव्यय होता है, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। जैसे कि मैंने बोला प्रत्येक, एक और शब्द बोल रहे हैं यहां पर क्या, मैं प्रत्येक 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 एक शब्द मैंने यहां पर और क्या बोला प्रत्येक। प्रत्येक भी दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द हो गया आपका क्या प्रति, पहला शब्द क्या हो गया आपका प्रति, और दूसरा शब्द यहां पर हो गया आपका एक, दूसरा यहां पर क्या हो गया आपका एक हो गया। पहला शब्द क्या हो गया आपका, पहला शब्द हो गया यहां पर आपका प्रति और दूसरा शब्द यहां पर क्या हो गया आपका एक। तो पहला पद प्रधान हो, पहला पद यहां पर आपका प्रति है तो यहां पर प्रति प्रधान है और दूसरा है एक, एक कोई प्रधान है क्या? नहीं है। तो प्रति प्रधान होने के साथ साथ अव्यय भी है, क्या है यहां पर? ये अव्यय भी है, इसलिए यहां पर कौन सा समास है? अव्यय भाव समास है। क्लियर? समास विग्रह करने के लिए भी आता है ना। यथाशक्ति, एक और मैंने यहां पर क्या बोला यथाशक्ति, एक समास और मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर यथाशक्ति, यथाशक्ति की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? यथाशक्ति, यथा शक्ति। ये तो समासिक पद है, ये क्या पद है? देखो दो वर्ण, वर्ण का मतलब क्या होता है, या एक वर्ण और था भी एक वर्ण है, दो वर्णों के मेल को संधि बोलते हैं और दो शब्दों के मेल को समास बोलते हैं। समास उसको बोलते हैं, दो पदों के मेल को अपन क्या बोलते हैं? समास कहते हैं। जब पहला पद और दूसरा पद, वर्ण अलग होते हैं और शब्द अलग होते हैं, क्लियर, पद अलग होते हैं, दो पदों के मेल को अपन क्या बोलते हैं? समास कहते हैं, है ना। यथाशक्ति, तो यहां पर दो पद है, पहला पद है यथा, पहला पद है यथा, ये हो गया प्रथम पद, प्रथम पद, और दूसरा पद हो गया यहां पर आपका शक्ति, ये हो गया यहां पर आपका द्वितीय पद। तो जिस समास में, जिस समास में प्रथम पद प्रधान हो, प्रथम पद क्या हो? प्रधान हो, और प्रथम पद अव्यय हो, यथा अव्यय होता है, यथा तथा तत्र अत्र सर्वत्र, ये सब क्या होते हैं आपके? अव्यय होते हैं। ये सब क्या होते हैं आपके? ये सारी चीज आपके अव्यय होते हैं। तो जिसका प्रथम पद प्रधान हो और सांसद वो क्या हो? अव्यय हो, तो है ना, प्रथम पद प्रधान हो और सांसद क्या हो? वो अव्यय हो, वहां पर कौन सा समास होता है? अव्यय भाव समास होता है। समझ में आ गया है? ऑब्जेक्टिव जाएगा यथाशक्ति में कौन सा समास है, चार विकल्प लिखे रहेंगे, क्लियर है ना। पेपर में क्वेश्चन आएगा तीन अव्यय समास लिखो। ये तो समासिक पद हो गया है, लेकिन ये किन किन दो के मेनली से बना? देखो शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार, क्या होता है? शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति का मतलब क्या होता है यहां पर? शक्ति के अनुसार होता है, क्या होता है? शक्ति के अनुसार। और समास कौन सा है यहां पर आपका? अव्यय भाव समास। ठीक, समझ में आ गया है? समास की पहचान कर लोगे, और समास की एग्जांपल किसी के पास गाइड वगैरह कुछ है और मोटी वाली, जिसमें और एग्जांपल दियो समाज के, बुक वगैरह हम दियो समाज के एग्जांपल, वो भी समझा दूंगा आप लोग को मैं। हाँ लाओ, वेरी गुड, बहुत शानदार, चलो कोई तो निकला पढ़ने वाला। देखो और है, देखो उपतट, एक समास और बोल रहा हूं, देखो उपतट, उपतट, तो इसमें का जो प्रथम पद है ना उप, प्रथम पद जो उप है ना, उप अव्यय है, उप क्या है? अव्यय है। उपतट, उप का मतलब होता है समीप, उप का मतलब क्या होता है? समीप, तट यानी तट के समीप। इसका विग्रह कैसे होगा? तट के समीप, नदी का तट होता किनारा होता है उसके समीप, तट के समीप, तट के समीप को अपन क्या बोलेंगे? उपतट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम? उपतट बोलेंगे। क्लियर, आज समझ में। अगला होता है आपका यथा काम, अगला एक एग्जांपल क्या हो गया आपका? यथा काम, यथा का मतलब होता है अनुसार, यथा शक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, यथा काम मतलब काम के अनुसार। और जिसका प्रथम पद अव्यय होता है, यथा भी यहां पर अव्यय है, उप भी यहां पर अव्यय है, यथा भी यहां पर अव्यय है, प्रति भी यहां पर अव्यय है, तो वहां पर कौन सा समास होता है? वहां पर अपना अव्यय भाव समास होता है। बनेगा नहीं बनेगा? कल पेपर में आएगा, बन जाएगा, कंफर्म है, क्लियर है। जिसका इसका परिभाषा क्या है? जिसका पहला पद अव्यय हो वहां पर कौन सा समास होता है? अव्यय भाव समास होता है। कंफर्म, क्लियर है, बन जाएगा पक्का। चलो अगले समास पे आता हूं। अगला समास क्या यहां पर हमारा? अगला समास यहां पर हमारा है भैया तत्पुरुष समास। अगला क्या है? तत्पुरुष समास।
तत्पुरुष समास में बहुत कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज होने का है नहीं बिल्कुल। प्रथम तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, क्यों कंफ्यूज होना, होना नहीं तत्पुरुष। क्या बोला है यहां पर? तत्पुरुष समास बोला है, तत्पुरुष समास है ना, तत्पुरुष समास। परिभाषा समझो, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद विभक्ति का लोप करके दोनों पदों को मिला दिया जाता है, वहां तत्पुरुष समास होता है। मैंने बोला मंत्री का पुत्र, मंत्री का पुत्र, हमारे बाप मंत्री है। अच्छा? तो हमारे बाप संतरी है, क्या कर लोगे तुम, है ना कि नहीं? मंत्री का पुत्र, यहां पर क्या बोला मैंने, मंत्री का पुत्र, मंत्री का पुत्र। मंत्री और पुत्र दोनों में से भारी कौन लग रहा है? मंत्री भारी लग रहा है। अब तुम बोलोगे कि मंत्री मंत्री तो कोई तुम्हारे सुनेगा क्या? नहीं। लेकिन तुमने बोल दिया मैं मंत्री का बेटा हूं, पुत्र, पुत्र किसकी औलाद है, किसकी औलाद है मैं? तू मंत्री की औलाद हूं, मेरा बाप अरे भाई मंत्री है क्या? समझ में आ रहा है ना? तो पुत्र भारी लग रहा है, मंत्री का पुत्र। मंत्री तो कोई भी बोल देगा, लेकिन उसका बेटा है, पुत्र है, है ना? तो देखो, इसको बोलते प्रथम पद, जो शुरू वाला पद होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रथम पद। प्रथम पद, प्रथम पद के साथ साथ इसको पहले का पद या पूर्व पद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पूर्व पद भी कहा जाता है। प्रथम पद के साथ इसको क्या कहा जाता है? पूर्व पद, है ना? हिंदी में तो काम आएगा ही, संस्कृत में भी काम आएगा, फोकस से समझ लो। इसको प्रथम पद भी बोलते हैं, पूर्व पद भी बोलते हैं, क्लियर? और ये जो होता है पुत्र, इसको हम बोलेंगे द्वितीय पद। क्या बोलेंगे इसको हम? द्वितीय पद, द्वितीय पद, द्वितीय पद बोलेंगे, या उत्तर पद। उत्तर का मतलब होता है बाद वाला पद, द्वितीय पद या उत्तर पद, है ना? तो देखो, जिस समास में उत्तर का पद प्रधान होता है, पुत्र यहां पर प्रधान है, कि पुत्र है भैया, क्या है वो? पुत्र। जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। तथा पूर्व पद का कारक, यहां पर कारक, प्रथमा ने द्वितीय को, तृतीय षष्ठी का की के रारी रे, षष्ठी तत्पुरुष आ गया यहां पर, क्योंकि यहां पर काकी के आया ना, और रारी रे आया है, आया है, इसलिए है ना, ये कारक होता है। इस कारक का लोप हो जाता है। पूर्व पद, पूर्व मतलब पहले वाले पद, पूर्व पद के कारक का लोप हो जाता है, पूर्व पद के कारक का लोप हो जाता है, और पूर्व पद और उत्तर पद दोनों को जोड़ करके लिख दिया जाता है। मंत्री और पुत्र बस लिखेंगे तो हो जाएगा मंत्री पुत्र, मंत्री पुत्र, ये बन गया आपका समासिक पद। समास इसको बोलते जहां पर दो शब्द, दो पद मिल करके एक नया पद बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? समास कहते हैं। तत्पुरुष समास की पहचान कैसे करोगे? जहां पर दूसरा पद प्रधान होता है ना, दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है, क्लियर? और जो पहला पद होता है, जो पूर्व पद होता है, उसके कारक का लोप कर दिया जाता है। तो आपको पेपर में ये आ सकता है कि मंत्री पुत्र का समास विग्रह कीजिए, तो मंत्री पुत्र दिमाग लगाना, मंत्री से पुत्र तो होगा नहीं, मंत्री मंत्री में पुत्र तो होगा नहीं, तो क्या होगा? मंत्री का पुत्र, हाँ मंत्री का पुत्र, ये हो गया समास विग्रह, ऐसा दिमाग लगाया जाता है इसमें, क्लियर है ना? कारक चिन्ह होते हैं, क्या होते हैं? कारक चिन्ह। यहां पर संबंध बता रहा है, क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है, मंत्री और पुत्र के बीच में संबंध बता रहा है कि भैया मंत्री का पुत्र है। तो जहां पर संबंध बताया जाता है, वहां पर संबंध तत्पुरुष होता है। संबंध मतलब षष्ठी तत्पुरुष होता है, क्लियर? तत्पुरुष के पहचान करने का नियम, प्रथम है ना, प्रथम, प्रथमा ने, अगर बीच में अगर यहां पर ने आया, क्या आया? ने आया, तो समझ जाना है ना, समझ जाना कि प्रथमा तत्पुरुष है। प्रथमा ने द्वितीय को, द्वितीय के लिए यहां पर क्या आता है? को आता है। द्वितीय के लिए यहां पर क्यों आता है? क्यों आता है? अगर को आया है ना, है ना, है ना, रावण को मारा, रावण को मारको आया, तो वहां कौन सा होगा? द्वितीय तत्पुरुष होगा, क्लियर? अगर प्रथमा ने द्वितीय को तृतीय से, तृतीय से अगर कहीं पर से आया, हाथ से लिखा, समझ में आया, तो वहां पर क्या होगा? आपका तृतीय तत्पुरुष होगा। चतुर्थी के लिए, चतुर्थी के लिए है ना, चतुर्थी के लिए, चतुर्थी में क्या आ गया यहां पर? चतुर्थी के लिए, चतुर्थी के लिए, चतुर्थी में यहां पर क्या आता है आपका? के लिए आता है, चतुर्थी के लिए, है ना? अगर कहीं पर के लिए आपका अर्थ निकल रहा है, तो वहां पर कौन सा होगा? आपका चतुर्थी तत्पुरुष होगा, क्लियर? क्या होगा? चतुर्थी तत्पुरुष होगा। पंचमी से अलग, पंचमी में क्या आएगा आपका? से अलग।
पंचमी से अलग, पंचमी से अलग है ना, कहीं से अगर अलग होने की बात हो रही है मतलब वहां पर यह आएगा। षष्ठी, षष्ठी में क्या आएगा आपका, का की के रारी रे, का की के और रारी रे, रा री रे। यहां पर देखो मंत्री का पुत्र आया था, बीच में का आया था, इसलिए क्या है यहां पर षष्ठी तत्पुरुष है। सप्तमी में होता है मे पर, सप्तमी में क्या होता है मे पर, क्लियर। सप्तमी में यहां पर क्या होता है मे होता है और पर होता है, क्लियर है। देखो अब, देखो अब मैं यहां पर एक चीज बोल रहा हूं, सुख प्राप्त, सुख प्राप्त, एक समासिक पद बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, सुख प्राप्त, सुख प्राप्त, देखो सुख प्राप्त, तो सुख प्राप्त, सुख का प्राप्त होगा क्या, नहीं। सुख ने प्राप्त होगा क्या, नहीं। सुख से प्राप्त होगा क्या, नहीं। सुख, सुख को प्राप्त हो सकता है, सुख प्राप्त मतलब क्या, सुख को प्राप्त, सुख को प्राप्त, क्या हो जाएगा यहां पर, सुख को प्राप्त, सुख को प्राप्त, किसको प्राप्त, तो कौन सा तत्पुरुष होगा, द्वितीय तत्पुरुष, क्या होगा यहां पर, द्वितीय तत्पुरुष। अगला यहां पर होगा आपका, अगला होगा यहां पर नरक पतित, नरक पतित, नरक पतित, पतित का मतलब होता है गिरना और नरक का मतलब होता है नरक, है ना, नरक में, नरक को गिरा हुआ, यहां पर क्या आएगा आपका, नरक को गिरा हुआ, नरक को गिरा हुआ, नरक को गिरा हुआ, नरक को गिरा हुआ, को आया ना, नरक को गिरा हुआ मतलब क्या होगा यहां पर, द्वितीय तत्पुरुष होगा, बारीकी समझ यहां पर। अगला यहां पर आ गया आपका गगन चुंबी, क्या है गगन चुंबी, गगन चुंबी मतलब गगन को चूमने वाला, गगन मतलब आसमान, लड़कों में समझ लेना ना, गगन को चूमने वाला, गगन चुंबी मतलब गगन को चूमने वाला, को आया यहां पर, को आया मतलब द्वितीय तत्पुरुष, क्या आएगा यहां पर, द्वितीय तत्पुरुष, क्लियर है। अगला देखो, अगला यहां पर आपका तृतीय तत्पुरुष, अब तृतीय समझो ना, तृतीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष किसको बोलते हैं, देखो नख भिन्न, नख भिन्न, नख भिन्न, नख का मतलब होता है नाखून, नख का मतलब क्या होता है नाखून, और भिन्न करना मतलब भिन्न भिन्न कर देना, चीर देना, है ना, नाखूनों से चीरा हुआ, किससे चीरा हुआ, नाखूनों से चीरा हुआ, नाखूनों से चीरा, चीरा हुआ, किससे चीरे अपन ने, नाखून से चीरे, नाखून से चीरे, से तृतीय, से तृतीय में क्या आता है, से आता है, से किस में आता है, तृतीय में आता है, तृतीय में से आता है, नाखूनों से चीरा हुआ, किससे चीरा हुआ, नाखूनों से चीरा हुआ, तृतीय में क्या आता है, यहां पर से आता है, तृतीय में क्या आता है, से आता है ना, तो नाखूनों से चीरा हुआ, तो यहां पर नख भिन्न में क्या होगा आपका, तृतीय तत्पुरुष होगा, क्या होगा, तृतीय तत्पुरुष होगा। धर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, धर्म क्या अपन ऐसा बोलेंगे, धर्म ने भ्रष्ट का, धर्म ने भ्रष्ट, धर्म से, ये यहां पर क्या होगा, धर्म भ्रष्ट मतलब धर्म से भ्रष्ट हो गया है, धर्म से भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट हो गया है, तो बीच में से आया, तृतीय से, तृतीय से अगर आया तो पंचमी भी पढ़ते हैं और से आया तो तृतीय भी पढ़ते हैं, लेकिन से उसके लिए उपयोग हो रहा है कि किसी से कोई काम किया गया हो, धर्म से, तो वहां पर तृतीय रहेगा, और अलग होने की बात करेंगे और से आया है ना, वृक्ष से गिरा, आया समझ में, तो वहां पर क्या होगा, पंचमी होगा, क्लियर है ना, धर्म से भ्रष्ट। अगला देखो धनहीन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में आता है, धनहीन में कौन सा समास है, धनहीन में कौन सा समास है, धनहीन मतलब धन से हीन, धन से हीन,
धन से हीन, और तृतीय से प्रथमा ने, याद कर लो कोडवर्ड, कोडवर्ड याद कर लो, प्रथमा ने द्वितीय को, तृतीय से चतुर्थी के लिए, पंचमी से अलग, षष्ठी काकी के रारी रे सप्तमी में पर, क्लियर है। धन से हीन, किससे हीन, धन से हीन, से आया मतलब क्या है, तृतीय चतुर्थ तत्पुरुष है। अब चतुर्थी, चतुर्थी तत्पुरुष समझ लो, यहां पर क्या बोला मैंने, चतुर्थी तत्पुरुष, बात मत करो बाहर चल जाओ, तुम मैं घर में फोन लगा बोल दूंगी पगलाई कर रहे हैं, तुम मत भेजो करके, कोई मतलब नहीं है, शांत आया चुपचाप शांत होकर के बैठो। ऐसे में क्यों होता है, जो पढ़ने वाले हैं ना उन लोगों को डिस्टर्ब होता है, तुम तो पगलाई कर रहे हो, लेकिन जो बेचारे पढ़ने के लिए आ रहा है, दूर दूर से आ रहा है, तुम यहीं रहने वाले हो, तुम यहीं आओगे अडारी करोगे चल जाओगे, लेकिन जो इंसान दूर से आ रहा है, साइकिल से आ रहा है, बेचारा चल करके, उसका तो लॉस हो रहा है ना तुम्हारे चक्कर में, उसको डिस्टर्ब हो रहा है, तुम अल्लाह कर रहे हो, तो दूसरों क्यों परेशान कर रहे हो, खुद भी नहीं पढ़ेंगे दूसरों को भी नहीं पढ़ने देंगे, या शांत होकर समझो, फोकस से, बोलने से याद नहीं होगा सुनने से याद होगा, इसलिए कान खोल के सुनो, बोलना जरूरी नहीं है सुनना जरूरी है। अगला यहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष, अभी नौवीं क्लास में मैंने वही करा, मेरे को सुनने में आता पीछे कोई लड़का गाली बकते रहता था, लड़की लोग ने बताया कि भैया गाली बकता है करके, उसे घर में फोन लगा, तुम्हारा लड़का गाली बकता है, मत मत भेजना कोचिंग, उन्हें कोचिंग दिखाई नहीं उसके बाद से, वो लोग शिकायत मिलती, भले मुझ तक आवाज़ नहीं आ रही लेकिन लोग तक आवाज़ जा रही थी, वो मैंने बाहर कर दिया डायरेक्ट, किसी कारण किसी परेशानी को झेलूंगा यार मैं, कोई नहीं झेलने वाला, इसलिए कम से कम खुद का चरित्र, खुद का व्यक्तित्व ऐसा बनाओ कि लोग बाग तुमको पसंद करे, है ना कि नहीं। अगला आपका चतुर्थी तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, चतुर्थी का प्रतीक होता है के लिए, चतुर्थी का प्रतीक क्या होता है, के लिए होता है। तो देखो, धन कामना, धन कामना, धन, धन यहां पर प्रथम पद है और कामना यहां पर द्वितीय पद है, क्लियर। तो अपन ऐसा बोलेंगे धन ने कामना, क्या धन ने कामना, धन को कामना, धन को कहां कामना चाहिए, क्या आएगा, कामना का मतलब होता है इच्छा, धन के लिए कामना, हमारे पास धन रहे इसके लिए कामना करो, प्रार्थना करो, इच्छा करो भगवान पास जा करके, समझ में आया, कामना का मतलब होता है इच्छा, धन कामना मतलब धन के लिए कामना, धन के लिए कामना, किसके लिए कामना, धन के लिए कामना, धन के लिए कामना, के लिए आया, इसका लोप हुआ, के लिए का लोप हुआ है, के लिए किस में आता है, चतुर्थी में आता है, मतलब यहां पर क्या है आपका, चतुर्थी तत्पुरुष, क्लियर। अगला रक्षा पुरुष, रक्षा पुरुष, रक्षा का मतलब होता है किसी की रक्षा करना, क्या होता है, रक्षा करना, तो रक्षा के लिए पुरुष, मतलब रक्षा करने के लिए क्या होना चाहिए, पुरुष, रक्षा मतलब रक्षा करना है ना, रक्षा के लिए पुरुष, रक्षा के लिए पुरुष है ना, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं है ना, हल्ला नहीं, रक्षा के लिए पुरुष, क्लियर है, रक्षा के लिए पुरुष, के लिए का लोप हुआ, के लिए काय में आता है, के लिए मतलब क्या है यहां पर, चतुर्थी तत्पुरुष है। अगला है भैया होम सामग्री, होम के लिए सामग्री, कौन सा तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष है ना। अगला है भूतबली, मोस्ट इंपोर्टेंट, भूतबली में कौन सा समास है, भूतबली यानी भूत के लिए बलि, भूत के लिए बलि, बलि चढ़ाते ना किसी, गर्दन काटते है ना, भूत के लिए बलि, भूत के लिए बलि मतलब कौन सा तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, क्लियर है। अब अगला पंचमी तत्पुरुष, पंचमी में भी से होता है, पंचमी में क्या होता है, से, पंचमी में भी क्या होता है, से, मैंने मैंने बोला, डर किससे लगता है, चोर से डर लगता है क्या, वेरी गुड है ना, सही सही बात बोला उसने, माता पिता गुरु के अलावा किसे डरना चाहिए, सबसे पहले माता, सबसे पहले माता, माता पिता और तीसरा गुरु, इसके अलावा किसी से मत डरो, है ना कि नहीं,
खाने के लिए ऐसा रहता है। देखो देखो, चोर से डर, चोर से डर, चोर से डर, चोर से डर है ना, चोर से डर, चोर से डर, चोर से डर। से का यहां पर लोप हो जाएगा, से किस में आता है, पंचमी में आता है, तो इसका बन जाएगा समास चोर भय, चोर भय, चोर भय, चोर भय में कौन सा समास है, चोर भय में पंचमी तत्पुरुष समास है, चोर भय मतलब चोर भय में पंचमी तत्पुरुष समास है, चोर से भय। अगला है रोग मुक्त, रोग से मुक्त, बीच में से आया मतलब पंचमी तत्पुरुष है। अभी क्या बताया मैंने, अगर से आया तो तृतीय रहेगा, लेकिन से आया लेकिन अलग होने के अर्थ में आया, अलग होने के अर्थ में आया तो वहां पर क्या होगा आपका पंचमी तत्पुरुष होगा। जैसे कि देखो दूरगत, दूरागत, दूर, दूरागत मतलब दूर से आया हुआ, अलग हुआ ना वहां से, दूर से आया हुआ तो वहां पर क्या होगा पंचमी तत्पुरुष होगा। गुड क्वेश्चन है ना, वेरी गुड क्वेश्चन है ना। अगला बंधन, बंधन मुक्त, बंधन मुक्त मतलब बंधन से मुक्त, मुक्त हुआ है ना, अलग हुआ है, बंधन से मुक्त हुआ है, बंधन मुक्त है ना, तो वहां पर क्या है पंचमी तत्पुरुष है ना। देश निर्वासन मतलब जिसको देश से भगा देते हैं ना, देश निर्वासन, कोचिंग निर्वासन है ना कि नहीं, देश निर्वासन मतलब देश से निर्वासन, से आया मतलब पंचमी तत्पुरुष, क्लियर बन जाएगा पंचमी तत्पुरुष। अगला होता है यहां पर आपका पंचमी तत्पुरुष हो गया यहां पर, अब षष्ठी तत्पुरुष समझो, षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष। देखो षष्ठी, षष्ठी का मतलब तो संबंध बताना, का वो मेरा है ना, राम का भाई लखन आया, की है ना सीता की मौसी रेखा आया, के है ना आया समझ में है ना, मोहन के चाचा आया समझ में, क्लियर, काकी के आए, वहां पर क्या होगा आपका षष्ठी तत्पुरुष। जैसे कि राजभवन इंपॉर्टेंट है, राजा का भवन, बीच में का आया मतलब कौन सा तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष। देवपति, देवपति देवताओं का स्वामी, देवताओं का स्वामी, पति को ही स्वामी बोलते हैं, पति परमेश्वर है ना कि नहीं, देवताओं का स्वामी, देवपति, देवपति का हाँ देव स्वामी बोल सकते, देवताओं का स्वामी, देवपति यानी देवताओं का स्वामी है ना, का आया वहां पे है ना, का आया मतलब कौन सा तत्पुरुष रहेगा, षष्ठी तत्पुरुष रहेगा, क्लियर। अगला वृक्षाया, वृक्ष की, वेरी गुड, क्या होगा षष्ठी तत्पुरुष होगा है ना। प्रजापति, प्रजापति मतलब स्वामी, प्रजा का स्वामी, अब कोई प्रजापति बन गया है ना, राष्ट्रपति बन गया मतलब पूरा राष्ट्रपति थोड़ी ना हो गया, वो राष्ट्र का वो लीड करने वाला है ना वो है ना कि नहीं। अब करोड़पति मतलब, करोड़पति मतलब कोई करोड़ों का पति पति होने से रहा वो है ना कि नहीं। देखो समझो, देखो राजदंड, राजा का दंड, का आया मतलब षष्ठी तत्पुरुष, क्लियर। अगला देव पुरुष, देवताओं का पुरुष, यहां पर क्या होगा आपका षष्ठी तत्पुरुष। प्रजाजन, प्रजा का जन है ना, है ना, उद्योगपति, उद्योग का पति है ना, षष्ठी तत्पुरुष, क्लियर। अगला होता है आपको सप्तमी तत्पुरुष, अगला क्या होता है लास्ट, वो संस्कृत में चलता है, सप्तमी तत्पुरुष। सप्तमी का क्या होता है में, बिल्ली अगर टेबल पर बैठी है तो पर बोलेंगे, और बिल्ली को लेकर टाका में घुसेड़ दिए
नहीं करना मत ऐसा। तो बिल्ली पानी में डूब गई, बिल्ली पानी में डूब गई, डूब गई पानी में। तो जब जहां पर कोई वस्तु का पूरी तरीके से अधिग्रहण हो जाता है वहां पर सप्तमी तत्पुरुष होता है। इसके लिए यहां पर मैं और पर का उपयोग होता है, मैं या पर लगाया जाता है। जैसे नरोत्तम, 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 नरों में उत्तम, नरों में उत्तम, नरों में उत्तम, नरोत्तम बोलेंगे उसको अपन। नरों में, मैं आया, मैं आया मतलब कौन सा तत्पुरुष? सप्तमी तत्पुरुष। क्लियर? पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। बीच में मैं आया मतलब कौन सा समास है? सप्तमी तत्पुरुष है। अगला यहां पर आनंद मग्न, आनंद में मग्न, आनंद में डूबा हुआ, आनंद में मग्न आ रहा समझ में है ना, आनंद मग्न। क्लियर? सप्तमी तत्पुरुष। अगला वनवास, वन में वास करने वाला, वन में वास। क्लियर? आत, अगला देखो घुड़सवार। अब घोड़े में, अब घोड़े के अंदर सवार होने से रहे, घोड़े के अंदर सवार होंगे क्या? घोड़े पर सवार, पर आया, पर आया मतलब सप्तमी तत्पुरुष। बोलो मत यार, मत बोलो। अगला पितृस्नेह, अब बोलने नहीं दूंगा, बाहर कर दूंगा। पितृस्नेह, पितृस्नेह आने, पितृ आने पिता, पर स्नेह सप्तमी तत्पुरुष है। क्लियर है? अब देखो कर्मधारा समास किसको बोलते हैं? तत्पुरुष समाप्त हो गया है। पहला अव्ययी भाव में जिसका प्रथम पद क्या हो? अव्यय हो। अरे अव्यय हो ना, कब बता रहा हूं इतनी देर से। प्रथम पद क्या होना चाहिए? तो वहां पर कौन सा समास होगा आपका? अव्ययी भाव समास। और तत्पुरुष में क्या हो? दूसरा पद प्रधान हो और बीच में कारक चिन्ह का लोप हो। क्लियर? वहां पर क्या होगा आपका? तत्पुरुष समास। अगला होता है आपका कर्मधारय समास। तीसरा यहां पर आपका क्या है? कर्मधारय समास। लोग बाग कंफ्यूज होते हैं। एक ऑप्शन दिया रहता है भैया नील कमल में कौन सा समास है, बहुव्रीही है या कर्मधारा है। कई मूर्ख लोग बहुव्रीही लगा के आते हैं और कई मूर्ख लोग कर्मधारा लगा के आते हैं। कंफ्यूज में पड़े रहते हैं कि होगा तो क्या होगा। अब पूरा कॉन्सेप्ट समझो। कर्मधारा किसको बोलते हैं? जिस समास में पूर्व पद विशेषण या उपमेय और उत्तर पद विशेष या उपमान हो उसे कर्मधारय कहते। समझ में आया? पूर्व पद है ना कर्मधारय समास। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया आपका, मैंने यहां पर आपका एग्जांपल लिया नील कमल। कितने पद? दो पद। ये वाला पद कौन सा हो गया आपका? पहले का पद। पहले का पद मतलब पूर्व पद हो गया, पूर्व पद। और ये पद आपको कौन सा हो गया? बाद वाला पद हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे? बाद वाला पद यानी उत्तर पद। क्लियर है? ये हो गया आपका पूर्व पद और ये हो गया आपका उत्तर पद। क्लियर है? पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद। क्लियर है? ऐसा है ना। तो देखो जिस समास में पूर्व पद विशेषण हो या उपमेय हो, क्या हो? विशेषण हो या उपमेय हो, उपमेय हो, उपमेय हो। क्लियर? और
उत्तर पद क्या हो? उत्तर पद उपमान हो। उत्तर पद क्या हो? उपमान हो। अब समझो उपमेय किसको बोलते हैं, उपमान किसको बोलते हैं। मैंने बोला राधा मुख चंद्र सो सुंदर, मतलब कि राधा जी का चेहरा, राधा जी का जो चेहरा है वो चंद्रमा के समान सुंदर है, खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, है ना कि नहीं? क्या है ब्यूटीफुल? राधा जी का जो चेहरा है वो किसके समान सुंदर है? चंद्रमा के समान क्या है? सुंदर है। तो यहाँ पर राधा जी के चेहरे की तुलना किससे की गई है? तो जिससे तुलना की जाती है उसको उपमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उपमान बोलते हैं। और जिसकी तुलना की जाती है उसको क्या बोलते हैं? उपमेय बोलते हैं। समझ में आया? अरे वो तो बोल रहा हूँ इसलिए बोलते हो, समझो फोकस से। देखो उपमान क्या होगा, तुमने क्या बोले उपमान क्या होगा? चंद्रमा उपमान हो गया। उपमान मतलब जिसको अपन मान रहे हैं, जिससे अपन तुलना कर रहे हैं। तो भी उसमें दो क्वेश्चन आता है, राधा जी के मुख की तुलना कर रहे हैं ना। हाँ, मुख उपमेय उपमेय है क्योंकि राधा जी उपमेय है। अरे बहुत समझा रहा हूँ, मैंने बता चुका हूँ ये चीज। मैंने अभी क्या बताया? राधा मुख चंद्र सुंदर, मतलब राधा जी के चेहरे की तुलना चंद्रमा से कर रहे हैं। तो जिससे तुलना कर रहे हैं, किससे तुलना कर रहे हैं? वहां चंद्रमा से तुलना कर रहे हैं ना, तो वो हो गया उपमान। जिससे तुलना करेंगे उसको उपमान बोलते हैं। और किसकी तुलना कर रहे हैं? मुख की तुलना कर रहे हैं। तो जिसकी तुलना करते हैं उसको उपमेय बोलते हैं। हाँ, मैंने बोला कि विद्यार्थी गधा है, तो विद्यार्थी की तुलना में किससे कर रहा हूं? गधे से कर रहा हूं। तो गधे से तुलना कर रहे, गधा 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 हो गया उपमान। गधा क्या हो गया? उपमान। और किसकी तुलना कर रहा हूं? विद्यार्थी कर रहा हूं, तो विद्यार्थी हो गया उपमेय। आ समझ में? मैंने क्या बोला, अरे जे लड़का तो का दिमाग तो कंप्यूटर जैसा चलता है, कंप्यूटर जैसा चलता है, तो कंप्यूटर से तुलना कर रहा हूँ, तो कंप्यूटर हो गया उपमान और दिमाग हो गया उपमेय। देखो तुमको किसी वित्त याद रखना है, जिस समास में पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है वहां पर कर्मधारय समास होता है। खत्म। क्लियर है? है ना? जिस समास में पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, कमल 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 का फूल, मगर नील कमल, तो कमल कौन से रंग का है? तो यहां पर जो पहला शब्द है, यहां पर जो पहला पद है, वो दूसरे पद की विशेषता बता रहा है कि कमल तो है लेकिन कौन से रंग का है? नीले रंग का है। आ रहा है समझ में? नीले रंग का कमल है। तो यहां पर क्या होगा? आपका कर्मधारय समास होगा। कौन सा समास होगा? मैंने समास होगा। मैंने बोला लाल गुलाब। क्या बोला मैंने? लाल लाल गुलाब। गुलाब तो है लेकिन जो शुरू वाला जो रंग लाल लिखा है, ये वाला पद जो है इसकी विशेषता बता रहा है ना। गुलाब तो ढेर सारे होते हैं, पीला काला नीला हरा है ना, टीला कुछ भी होता है, लेकिन कौन से रंग का है? लाल रंग का है। तो पहला पद जो है वो दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। तो जिस समास में पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताएगा वहां पर कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। मैंने बोला भैया, मैंने यहां पर क्या बोला? देखो मेघ श्याम। क्या बोला मैंने? मेघ श्याम। श्याम का मतलब होता है काला, काले को अपन बोलते श्याम रंग। श्याम रंग मतलब काला रंग, है ना? श्याम का मतलब क्या होता है? काला। काला तो है वो, श्याम तो है, लेकिन किसके समान काला? मेघ के समान काला। तो पहला पद जो है वो दूसरे पद की विशेषता बता रहा है कि बादल के समान क्या है? काला है। इसलिए क्या बोलेंगे इसको अपन? मेघ श्याम बोलेंगे। क्लियर है? मैंने यहां पर बोला, तो जहां पर पहला पद
पहला पद दूसरे पद की क्या बताए, विशेषता बताता है वहां पर कौन सा समास होता है आपका, वहां कौन सा समास होता है आपका, कर्मधारय समास होता है। जहां पहला पद दूसरे पद की बताए, विशेषता बताए, सुंदर बालक, मैंने क्या बोला, सुंदर बालक, बालक तो ढेर सारे होते हैं, लेकिन बालक सुंदर जो शब्द है, पहला शब्द दूसरे पद की विशेषता बता रहा है कि बालक सुंदर है, बारह समझे। तो जहां पर पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताए, भाग कौन सा होता है, कर्मधारय समास होता है। नीलांबर, अंबर का मतलब होता है जो जिसको जिस ढकते वस्त्र, अंबर का मतलब क्या हो गया, वस्त्र, ऐसा वस्त्र जो कैसा है, नीला है, तो कपड़ा तो है लेकिन जो शुरू वाला जो वर्ण है नीला, वो जहां पर पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताए, वहां कौन सा समास होता है, वहां पर कर्मधारय समास होता है। नीलाश्व कौन सा होगा, वेरी गुड, नीला है जो अश्व, तो अश्व नील, अश्व नीला है जो अश्व, जो नीला शब्द है वो घोड़े की विशेषता बता रहा है, घोड़ा नीले रंग का है, तो यहां पर भी कौन सा होगा आपका, कर्मधारय समास होगा। क्लियर है, अगला है आपका, आप देखो कर्मधारय समास में क्या होगा, पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बता, क्वालिटी बता रहा है कि आदमी तो अब कैसा है, नाटा है, लंबा है, मोटा है, तगड़ा है, छोटा है, बौना है, लूला है, लंगड़ा है, कैसा है, आदमी की विशेषता बता रहे ना। तो जहां पर पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताए, वहां क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। इन लोग की पगलाई उतारना पड़ेगा। देखो हो गया, यहां पे समझ में आ गया, क्लियर है। अब देखो अगला समझो, द्वंद्व समास क्या होता है। द्वंद, द्वंद का मतलब क्या होता है, द्वंद हो रहा मतलब लड़ाई हो रही है, द्वंद समास। क्या बोला मैंने, द्वंद समास, लड़ाई हो रही है, द्वंद समास, द्वंद समास। कंदमूल, अब लड़ाई किसकी बात की हो रही है, जे बोल रहा मैं प्रधान, जे बोल रहा मैं प्रधान, दोनों में द्वंद हो गया, कौन प्रधान, तो कोई फिर जब जे बोल रहा मैं भी प्रधान, जे बोल रहा मैं प्रधान ना, तो ऐसा समास जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, मतलब कि दोनों ही अपने आप में प्रधान होते हैं, पहला पद भी प्रधान, दूसरा भी प्रधान। क्लियर, हाँ वेरी गुड, सुन लो रात दिन, हाँ रात दिन, वेरी गुड, रात दिन, रात बोल रही मैं प्रधान, दिन बोल रहा मैं प्रधान, दोनों प्रधान होते हैं, है ना, तो वहां पर कौन सा समास होता है आपका, द्वंद्व समास होता है। क्लियर, और इनके बीच में हमेशा विग्रह करो तो और लगाते हैं, कंद मूल हो जाएगा, कंद और मूल, पेपर में जाएगा कंद मूल में कौन सा समास है, चार विकल्प दिए रहेंगे, तो क्या लगा के आना, कंद मूल में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। यहां पर आगे रात दिन में कौन सा समास है, रात और दिन, रात और दिन, बीच में और जाएगा, माता पिता दोनों प्रधान होते हैं, माता प्रधान, पिता प्रधान, माता पिता, तो क्या जाएगा यहाँ पर, माता और पिता, द्वंद्व समास को उदाहरण, माता और पिता है द्वंद्व समास। पुत्र पुत्री का पुत्र और पुत्री, द्वंद्व समास। आय व्यय, आय और व्यय, द्वंद्व समास। कृष्ण अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन, द्वंद्व समास। जय पराजय, जय और पराजय, है ना, दाल भात, दाल और भात, दाल भात, है ना कि नहीं, दाल और भात, द्वंद्व समास। युवक युवक युवती, युवक और युवती, अंगद सुग्रीव, अंगद और सुग्रीव, द्वंद्व समास। समझ में आ गया, अब थोड़ा सा बचा है, द्वंद्व के बाद यहाँ पर लास्ट होता है आपका द्विगु समास। द्विगु समास जिसमें शुरू वाले पद में संख्या लिखी हो, संख्या वाचक हो, वहां पर द्विगु समास होता है। जैसे कि यहां पर मैं लिखा नवरत्न, नव
नव यानी नौ, संख्या वाचक है, नव यानी नौ, नौ एक संख्या है, जहां पर त्रिया है त्रिभुवन, चौराहा चार रास्ता, जहां पर शुरू में संख्या लिखी आए वहां पर कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। नवरत्न मतलब नौ यानी नौ रत्नों का समूह, नौ रत्नों का समूह क्या हो जाएगा यहाँ पर तुम्हारा, नवरत्न क्या हो जाएगा, नवरत्न मतलब नौ रत्नों का समूह। मैंने बोला चौराहा, चार संख्या वाचक, चार रास्तों का समूह, चौगड्ढा चार रास्तों का समूह है ना, चौराहा बोलते इसको अपन, पंचवटी पांच बटों का समूह, समास बिगड़े क्या करोगे, पांच बटों का समूह पंचवटी, पंचतंत्र पांच तंत्रों का समूह, पंचफल पांच फलों का समूह, त्रिलोकी तीन लोकों का समूह, क्लियर है, सप्तसती नवरात्रि नौ रातों का समूह, क्लियर क्लियर है। तो जहां पर शुरू में संख्या लिखी रहेगी वहां पर कौन सा होगा, द्विगु समास। अब लास्ट है तुम्हारा बहुव्रीही समास, लास्ट क्या है बहुव्रीही समास, बहुव्रीही देखो मैंने यहां पर बोला चक्रधर, चक्रधर जिस समास में ना तो पूर्व पद प्रधान हो और ना ही उत्तर पद प्रधान हो, बल्कि पूर्व और उत्तर दोनों से हटके कोई अन्य तीसरा पद प्रधान हो, जैसे कि चक्रधर मतलब चक्र को धारण करके रखने वाला, चक्रधर मतलब चक्र को धारण करने वाला, चक्र को धारण करने वाला मतलब कौन, चक्र किसके हाथ में होता है, भगवान विष्णु के हाथ में होता है, मतलब कौन, विष्णु, भगवान विष्णु है ना। तो जहां पर ना प्रथम पद प्रधान है ना दूसरा पद प्रधान है, इनको छोड़कर कोई अन्य पद प्रधान है, तो वहां पर कौन सा होता है आपका, बहुव्रीही समास, चक्रधर मतलब चक्र को धारण करने वाला, क्लियर है। अगला है यहां पर आपका लंबोदर, लंबोदर लंबू का मतलब होता है लंबा, उदर मतलब होता है पेट, जिनका पेट लंबा हो, गणेश जी, कौन, गणेश जी है ना, लंबे उदर वाले, यहां लिख देना लंबा है जिनका उदर है ना, लंबा है जिनका उदर, जिनका उदर, उदर का मतलब होता है पेट, कौन, गणेश जी है ना, कौन, गणेश जी। समास कौन सा रहेगा यहाँ पर आपका, बहुव्रीही समास, कौन सा समास रहेगा यहाँ पर आपका, बहुव्रीही समास रहेगा, क्लियर है, समझ में आ गया, समास हो गया तुम लोग का एंड, वार्षिक के हिसाब से भी और छमाही के हिसाब से भी, अब समास नहीं पढ़ाऊंगा।